मौलिक विचार या ठिकाणी व्यक्त करायला सन्माननीय गगन मलिक सर। नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं विश्व में घूमता हूं और वहां पर सभी को मैंने ये कहा है कि भारत में नमो बुद्धाय अधूरा है जब तक हम जय भीम नहीं करेंगे। ये जो जय भीम मैंने चिमूर में सुना, जितनी जनता यहां पर है, तो मुझे लगता है ये आवाज मुझ तक अच्छे से नहीं पहुंची तो विश्व तक कैसे पहुंचेगी। तो एक बार देखते कि मैं वाकई में उस चिमूर में आया हूं जहां जय भीम का नारा जब गूंजता है तो पूरे विश्व में पहुंचता है। एक बार फिर से कोशिश करके देखते हैं, जय भीम। अब लग रहा है कि मैं चिमूर में आया हूं। पहले मैं अपना आदर सम्मान प्रकट करता हूं। हमारे जो भिक्षु संघ है, आज बहुत बड़े बड़े महाथेरो यहाँ पर आए हैं, भलते ज्ञान ज्योति जी और हमारे थाईलैंड के वरिष्ठ भलते यहाँ पर हैं, हमारे मित्र बंटी भाव, बाकी और नटक और जितने भी गगन मलिक फाउंडेशन के मेंबर हैं, और आप, आपके बिना सब कुछ अधूरा है, इसलिए मैं आपके सामने भी अपना आदर सम्मान। कहा कि मैं नहीं जानता, मेरा काम है काम करना और लोगों को बताना कि यह धूमों का कार्य कर रहे हैं, तो वहां पर वो आएंगे कि नहीं आएंगे तो वहां जाकर पता चलेगा। लेकिन आपने आज ये बात सिद्ध कर दी कि जो बाबा साहब का सपना है बौद्धमय भारत का, वो पूरा होने के पूरे पूरे आसार है। आप देखते हैं जय भीम नारा कितनी जोर से बोला है, एकदम जी जान से जय भीम का नारा बोला तो बहुत अच्छा लगा मुझे। लेकिन कई सारे प्रश्न उठते हैं। प्रश्न ये है कि अगर हम खाली जय भीम बोलने से वो बुद्धिस्ट बन जाएंगे, जय भीम बोलने से हमारा कार्य पूरा हो जाएगा, क्या ये सत्य है? क्या ये बात सही है कि जब जय भीम बोलेंगे तो हमारा काम खत्म हो गया? जय भीम मतलब है बुद्धिस्ट। जय भीम के साथ आपके कंधे पर कितनी जिम्मेदारियां आती है, इस बात का एहसास होना सबसे ज्यादा जरूरी है। अब जिम्मेदारियां, जिम्मेदारियां नैतिकता की, जिम्मेदारियां करुणा की, जिम्मेदारियां मैत्री की, जिम्मेदारियां पंचशील की, जिम्मेदारियां स्थान मार्ग की, जिम्मेदारियां एक दूसरे का साथ देने की, जिम्मेदारियां एकता की। ये जब जिम्मेदारियां उठाने का बोझ, ये जिम्मेदारियां उठाने का बोझ के लिए जब आप रेडी होते हो, तब आप हकदार बनते हो कि मैं जय भीम बोल पाऊं। खाली जय भीम बोलने से होता तो अभी तक तो ये भारत बहुत में भारत हो चुका हूं। मैं जैसा कि भाई साहब ने बताया कि बहुत सारे लोग होंगे शायद वो मुझे बहुत अच्छे से मेरे से परिचित नहीं होंगे। मैं हिंदू परिवार में पला बड़ा, कहना कहानी आगे चलती कि एक एक्टर का सपना है बड़ा एक्टर बने, अलग अलग तरह के किरदार निभाए, सब कुछ निभाए। इसी प्रकार एक श्रीलंका के कुछ प्रोड्यूसर आए मुंबई कि आपका टेस्ट लेना है, हम एक भगवान बुद्ध पे फिल्म बना रहे हैं तो हम आपकी भी टेस्टिंग लेना चाहते हैं, कई सारे लड़कों को हमने टेस्ट किया है। तो जब उन्होंने मेरा टेस्ट लिया तो उन्होंने मुझसे पूछा कि भगवान बुद्ध के बारे में जानते हो? तो मैंने कहा हाँ मैं जानता हूँ, वो शांति का प्रतीक है। और कड़वी सच्चाई ये है कि मुझे लगता है कि आप अच्छे किसी एक ग्रेड स्कूल में चले जाओगे और उनसे पूछोगे भगवान बुद्ध के बारे में या बाबा साहब के बारे में, तो ज्यादा बातें आपको लोग बता नहीं पाएंगे क्योंकि उन्हें ये पढ़ाया ही नहीं। अब ऐसी कंडीशन थी, उन्होंने मेरे कई टेस्ट लिए, टेस्ट में मुझसे उन्होंने केवल ये चीजें पूछी कि आप शराब पीते हो कि नहीं पीते हो, आप जुआ तो नहीं खेलते हो, आप पार्टी में तो नहीं जाते हो, इस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहे थे। तो मैंने कहा कि आप मेरे एक्टिंग के बारे में पूछे, मेरे निजी जीवन के बारे में आप क्यों पूछ रहे? उन्होंने कहा कि शायद हो सकता है आपके लिए एक नॉर्मल किरदार हो, लेकिन श्रीलंका जैसे राष्ट्र में ये जीवन और मृत्यु का सवाल है। आज 6 साल लग गए हमें इसकी परमिशन लेते हुए कि हम सिद्धार्थ के ऊपर या भगवान बुद्ध के ऊपर एक फिल्म बना सकते, तो हमें ये देखना जरूरी है, एक्टर अच्छा हो ना हो एक इंसान अच्छा होना जरूरी है, तो ये टेस्टिंग कर रहे थे। कहानी आगे बढ़ती है, अब कहानी आगे बढ़ती है तो जब मैं फाइनल हो जाता तो कुछ बहुत सारे 300 करीब लड़के उन्होंने टेस्ट किए अलग अलग देशों में जाकर, मुझे उस किरदार के लिए फाइनल किया। वो किरदार तैयारी करते करते मुझे कहा कि चलो मैं सिद्धार्थ का चरित्र पढ़ता हूँ,
उनका चरित्र पढ़ता हूँ, उनका धर्म पढ़ता हूँ। तो मैंने तैयारी वहां पर अपनी शुरू की। जब मैंने तैयारी शुरू की तो जैसे जैसे कारवां आगे बढ़ता गया तैयारी का, मेरे पांव के नीचे से धीरे धीरे जमीन खिसकती हुई दिखी। धीरे धीरे जैसे गाड़ी के शीशे के आगे गंद आता तो वाइपर चलाते ना एकदम पानी लगाते, एकदम से सब कुछ साफ दिखाई देने लगता है, वैसे सब कुछ साफ धीरे धीरे दिखाई देने लगा। जीवन के मायने बदलने लगे। ऐसा लगा कि ये कौन सी दुनिया में मैं प्रवेश कर रहा हूँ। ये तो सच्चाई है जीवन की, इतना बड़ा खजाना जो ब्रह्म का, जो आपको जीवन का सत्य बताता है, वो किसी ने आज तक बताया नहीं, दिखाया नहीं, समझाया नहीं। तो धीरे धीरे पढ़ता गया और वो समय आ गया कि अब ये फिल्म के लिए मैं तैयार हूं। लेकिन बहुत ही मन में एक दुख था कि भारत में स्कूलों में बहुत सारी चीजें तो पढ़ाई गई, भगवान बुद्ध का चरित्र क्यों नहीं पढ़ाया गया, उनके बारे में क्यों नहीं बताया गया, उनके धर्मों के बारे में क्यों नहीं बताया गया। चीजें आगे बढ़ते फिल्म बनाई गई। फिल्म बनाकर श्रीलंका में बहुत बड़ी हिट ये फिल्म हुई, 70 साल के इसमें पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए। अब मैं भारत का तो नहीं लेकिन श्रीलंका का सुपरस्टार जरूर बन गया। वहां पर उनको जाना लगा कि हाँ ये सिद्धार्थ है। अब वो फिल्म जब मैं आगे, अब क्या हुआ, जितने भी भिक्षु थे वो मेरा बहुत सम्मान करने लगे, बहुत मेरा आदर सम्मान करना होना शुरू हो गया। मैं अलग अलग देशों में, मुझे लगा कि मुझे अब जाकर इतना अच्छा समय है, इसका पूरा प्रचार प्रसार करना चाहिए, पूरी दुनिया का इसको फायदा उठाना चाहिए। तो मैं चला श्रीलंका के कोने कोने में गया, सबने बड़ा सम्मान दिया। लेकिन जब मैं महानायक के पास पहुंचा तो उन्होंने मुझसे मिलने से इनकार कर, उन्होंने कहा कि ऐसी कोई क्या खास बात है उसमें जो मुझे मिलना है, महानायक ने ऐसा कहा। तो मैं भी सोच में पड़ गया, जहां इतने सारे लोग जो मेरा इतना बड़ा सम्मान कर रहे हैं, आज महानायक वो मुझसे क्यों नहीं मिला। वो कहते हैं वो लड़का जो खुद खुश नहीं है, वो खुशियां बांटने की बात कर रहा है, तो उसने क्या खासियत है। तो मैं समझ गया। तो उन्होंने कहा वो लोगों में जा जाकर बोल रहा है कि बुद्धिज्म को फॉलो करो, धर्म को फॉलो करो, क्या खुद वो बुद्धिस्ट है। तो बात तो सोचने वाली थी। अब मैं मन से और दिमाग से तो बुद्धिस्ट हो चुका था, लेकिन एक औपचारिकता बाकी थी। तो वहां फिर 2014 में मैंने ऑफिशियली जो है सबसे पहले बौद्ध धर्म को अपनाया। सबसे वहां से कारवां शुरू हुआ। अब मैं अलग देशों में जाने लगा। अब बहुत सारे लोग फिल्म को पसंद कर रहे, मुझे पसंद कर रहे। मैंने कहा बुद्धिज्म फॉलो करो, ये करो, वो करो। तो एक प्रश्न आता है छोटे से बच्चे के स्कूल का कि आप हमारे देश में आए हैं, आज थाईलैंड में आए हैं, म्यांमार में आए हैं, वियतनाम में आए हैं, यहाँ तो ऑलरेडी बुद्धिस्ट पॉपुलेशन बहुत है, बुद्धिस्ट राष्ट्र है। भारत जहाँ के बुद्ध खुद है, वहां पर टोटल पॉपुलेशन का केवल 1% लोग जो है वो बुद्धिस्ट है। भारत में आप क्या कर रहे हो, इस बात का क्या आप जवाब दे सकते हो। तो वहां मैं चुप हो गया कि बात तो सही है, अभी तक तुम भारत गए। वहां से मेरी यात्रा, वहां से मेरी चक्षु जो है वो खुली। तो मैं भारत आया। भारत आकर सबसे पहले मैंने देखा कि अब भारत में केवल 1% है, ऐसा क्यों, और ये 1% क्यों है, कैसे है। तब मेरा सही माने में इंट्रोडक्शन हुआ, तब मैंने सही माने में जाना बोधिसत्व बाबा साहब अंबेडकर कि इनके कारण आज जो 1% बुद्धिज्म बचा है, उनका कारण केवल ही केवल एक इंसान है, वो है हमारे बाबा साहब। अब वो मेरे लिए इंस्पिरेशन बन गए। मैं जब उनकी जीवनी पढ़ी तो मेरे को वो रोल मॉडल हो गए। मैं तो सोच में पड़ गया कि एक इंसान ऐसा कैसे कर सकता है जिसे किसी के साथ ना उठने बैठने दिया हो, ना पानी पीने दिया हो, ना पढ़ने दिया हो, और वही लोग आज अपने आप को बाबा साहब ने ऐसे मकाम पर पहुंचा दिया कि वही लोग जो उन्हें साथ उठने बैठने नहीं देते थे, आज उनकी फोटो वहां लगती है तो बड़े से बड़े प्रधानमंत्री का सर होता है। ये कार्य केवल और केवल बोधिसत्व कर सकते हैं, नॉर्मल आदमी ये काम नहीं कर सकता। तो उनको फॉलो करना शुरू किया। अब मैंने ये देखा कि भारत में 1% बुद्धिस्ट है, शायद मेरी लड़ाई होगी, अलग धर्मों से लड़ाई होगी, शायद वो बुद्धिज्म को उन्होंने बढ़ने नहीं दिया, ये गलत बात है। बुद्धिज्म तो सबका फायदा करने वाला है, इसको तो सबको सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन दुखद बात जब मेरी आंखों के आगे आई, जब मैंने देखा तो मुझे पता चला कि कोई और धर्म
हमें आगे ना बढ़ने देने का जिम्मेदार नहीं है, इसके जिम्मेदार हम स्वयं खुद हैं। हम कैसे एकता नहीं, बिल्कुल भी हमारे बुद्धिस्ट लोगों में एकता नहीं है। एक इंसान अगर अच्छा कार्य करके, धर्मों का कार्य करके आगे बढ़ना चाह रहा है तो 100 हाथ उसकी टांग खींचने के लिए नीचे खड़े हैं, ये कैसे आगे बढ़ गया। आज सभी लोग अपने अपने कामों में व्यस्त, सोचने की बात है ये मेरा धर्म का कार्य, ये उसका धर्म का कार्य, ऐसा नहीं है। जब बाबा साहब आप सबके अपने हैं तो जो भी धर्म का कार्य है वो हमारा अपना कार्य है। अब एक एक दो करते करके हजारों की तादाद में लोगों ने मूर्तियां देनी शुरू की। मैंने हजारों की तादाद में भारत में बांटने की कोशिश की, अब मैं भारत में ये हजारों की तादाद में मूर्तियां बांट रहा हूं, तो करीबन 20,000 तक मूर्तियां हमने बांट दी। अब सबसे बड़ी विडंबना ये मुझे दिखी कि मैं जिस जगह जा रहा हूं 90% बिहारों में भिक्षु नहीं है, केवल 10% बिहारों में भिक्षु है, बाकी जगह भिक्षु नहीं है। पर अगर भिक्षु नहीं होंगे तो बुद्धिज्म आगे बढ़ नहीं सकता, वो जो धम्म चक्र चलाना चाहते हैं वो चल नहीं सकता। यहां तक की इतनी बातें नहीं, एक बात और आपसे एक और भी बात करता हूँ। आज कितने अच्छे से तैयार होते हैं, कितनी सुंदर नीली सफेद साड़ियां सब लोग, मैं भी अच्छे से तैयार होते हैं, लेकिन मैं जब जब बिहारों में गया हूँ छोटे छोटे बिहारों में, वहां जब मैं जाता हूँ तो कम से कम 200-300 लोग 500 लोग कई जगह 1,000 लोग छोटे से बिहार वहां तक बैठे रहते हैं, लेकिन सब बहुत अच्छे से तैयार है। लेकिन बिहार की कंडीशन ये है कि यहां से जाले लगे हुए हैं कॉर्नर पे, जो पीछे फ्रेम में फोटो लगी है वो बरसों से साफ नहीं की गई, किसी की खिड़की टूटी है, किसी का कांच टूटा है। तो मैं आप सबको ये बताना चाहता हूं कि आपकी बुद्धिस्ट होने की पहचान एटलीस्ट आपके कपड़ों से नहीं, आपके बिहार से है, तो उसे बचाना आपका कर्तव्य है। तो ये कारवा आगे बढ़ा। अब प्रश्न इतना बड़ा यह आ गया कि भिक्षु नहीं प्रोडक्शन क्यों नहीं हो रहा, क्यों कोई भिक्षु नहीं बनना चाह रहा। वो इसलिए नहीं बनना चाह रहा क्योंकि उसका कारण भी हम उपासक हैं। अब तब मैंने देखा कि यहां से आज तक तो मैंने मुंबई में मैं रहता हूं, मैंने कभी नहीं देखा कि मुंबई में मेन सिटी में मेन जगह पे कि बड़े एक लाइन कतार में बहुत सारे भिक्षु चल रहे हो, एक कतार में चल रहे हो, सब चारिका कर रहे हो, सब लोग हमारे भिक्षु उपासक खड़े हैं उनको दान परिवर्तन करने के लिए। आज तक तो देखा ही नहीं ऐसा। वो किसकी ड्यूटी है, वो हमारी ड्यूटी है। और कोई आएगा नहीं तो भिक्षु का ख्याल कौन रखेगा। उपासकों की कुछ ड्यूटी है, उपासक की ड्यूटी ये नहीं है कि एक जगह खड़े होकर जय भीम बोल दिया और मैं ब्रिटिश बन गया। भिक्षुओं का ख्याल रखना, उनका सम्मान करना कि वो और अच्छे से आपको ज्ञान दे सके, ये बहुत बड़ा कर्तव्य है जो हम लोग नहीं। आज बंटी जी से मेरी केवल 2 मुलाकातें हुई, केवल 2 मुलाकातें। पहली मुलाकात में उन्होंने मेरा दिल जीता। बंटी जी बुद्धिस्ट हो या ना, बुद्धिज्म एक जीने का तरीका है जिसमें सबसे बड़ी चीज कहलाती है सर्विस टू ह्यूमैनिटी, यानी के मानवता की सेवा। तो ये इंसान जो इतनी बड़ी मानवता की सेवा कर रहा है, इनसे बड़ा बुद्धिस्ट कोई हो ही नहीं सकता। तो ये कारण था, उन्होंने ऐसी ऐसी बातें बताई कि शायद खुद नहीं बोलता इंसान जब होता है, कि कई हजारों लोगों का फ्री इलाज, कईयों को खाना, कोविड के टाइम पे खाना, पढ़ाई, एजुकेशन, कोई ऐसी जगह नहीं थी जहां उन्होंने लोगों को सपोर्ट नहीं किया। और मैं चाहता हूं कि मैं पॉलिटिकल नहीं हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि ऐसे लोग ही राजनेता बने ताकि कल लोगों की मदद करने की बात आए तो सबसे आगे जाकर वो ऐसे लोग खड़े हों। इस बात के लिए मैं आपको बहुत बधाई। अब कहानी आगे बढ़ती है भिक्षुओं की, उपासकों की मैं बात कर रहा था। तो आपकी ड्यूटी क्या है, आपकी ड्यूटी है भिक्षुओं का ख्याल करना। आज थाईलैंड जैसे देश में हमने ये कोशिश की है, हमने ये कोशिश की है कि अगर कोई बच्चा भिक्षु बनना चाहता है, पढ़ाई करना चाहता है, बड़ी अच्छी ट्रेनिंग लेना चाहता है, तो क्या हम उसे थाईलैंड में ट्रेनिंग दे सकते हैं। तो वहां राजा की मोनेस्ट्री की बड़े भिक्षुओं ने बुलाया, उनसे बहुत बड़ी मीटिंग हुई और उन्होंने इस बात पर एग्री किया कि आप में से कोई भी बच्चा अगर बुद्धिस्ट, कोई भी बच्चा अगर भिक्षु बनना चाहता है, छोटा बच्चा हो, 10 साल से 15 साल का बच्चा हो, अगर वो भिक्षु बनना चाहता है तो उसकी पढ़ाई एकेडमिक हो या भिक्षु की पढ़ाई हो, 10 से 15 साल तक की उसकी ट्रेनिंग थाईलैंड में हमारी फाउंडेशन के थ्रू मुफ्त दी जाएगी। अगर कोई भी बच्चा बनना चाहेगा ताकि लोग इंस्पायर हो,
ताकि लोग आगे बढ़े, अपनी ड्यूटियों को समझे। दिन अवश्य अपने एरिया के बिहार में जाएंगे और भिक्षु का साथ लेंगे और ऐसा कुछ करेंगे कि वो बिहार खूबसूरत बना रहे, उसका सपोर्ट स्ट्रांग होता रहे, ताकि और भिक्षु प्रोडक्शन भी हो सके। आज इतना बड़ा हॉल बना दिया। उन्होंने मुझे कहा कि मैं बुद्धिस्ट लोग जितने भी गरीब लोग शादी करना चाहेंगे या कोई जरूरी काम करना चाहेंगे, मैं उनसे एक भी रुपया नहीं लूंगा, यह हॉल उनके लिए फ्री है। ये कारण इसमें भी मेरा दिल लगा, लेकिन मैं चाहता हूँ एटलीस्ट एक बुद्ध वंदना जो पूर्णिमा के दिन एक खीर बनाना। मैं इनको स्वयं कह दूंगा आपको खीर बनाने की भी जरूरत नहीं है, आपका काम है दिल से वहां पर आना और बुद्ध वंदना करना हर पूर्णिमा के दिन, ताकि पता रहे कि ये ऐसा बिहार है, यहाँ कॉन्टिन्यूटी में बदलाव आते रहे, तरक्की होती रहे और बौद्ध धर्म जो है वो चक्र में चलता है। ये सारे कारण उपासक के हैं, ये और इसके कारण नहीं है, आपके कारण है। ये आपका सही बुद्धिस्ट बनाता है। जय हिंद, खाली बोलने से आप बुद्धिस्ट नहीं बनते, ये जिम्मेदारी आप लोगों की, ये जिम्मेदारी आप से मतलब हमारी जिम्मेदारी है ये चीज को लेकर आगे बढ़ो। तब बदलाव की आप बात करो, तब आप बहुत में भारत की बात। आज आप देख लो बाबा साहब को तो साथ में उठने बैठने पढ़ने लिखने खाने पीने नहीं दिए गए, कितनी प्रताड़नाएं सही है मेरे से ज्यादा आप लोग जानते हैं, लेकिन वो इंसान किस मकाम तक पहुंचा कि उन्होंने संविधान लिख दिया उसी देश का जिनके साथ इतनी प्रताड़नाएं हैं। तो क्या भारत के अंदर ऐसा अगर स्कूल खुले, वो सपना हम क्यों नहीं देखते? हम देखते हैं कि क्रिश्चियन स्कूल है, बच्चा इंग्लिश पढ़ेगा, ए ग्रेड स्कूल है, वाह बहुत बढ़िया, लेकिन बेस किसका है? बेस क्रिश्चियन। सुबह प्रेयर होगी तो इंग्लिश वाली, क्रिश्चियन प्रेयर होगी, नन पढ़ाएंगे। हिंदू बेस स्कूल में गायत्री मंत्र सुबह प्रेयर होगी, बेस हिंदू पढ़ाया जाएगा, बाकी एकेडमिक चलेगा। सिख बेस में सिख रिलीजन के बारे में बताया जाएगा, बाकी एकेडमिक बेस चलेगा। मुस्लिम में भी वही कार्य चलेगा। तो वो दिन कब आएगा ए ग्रेड का? बंटी जी आपको मैं इशारा कर रहा हूँ, जिस दिन ए ग्रेड बुद्धिस्ट स्कूल खुलेगा और सुबह प्रेयर होगी, नमो तस्स भगवते वासुदेवाय। ये इशारा आपकी तरफ है कि जब आप पावर में आएंगे तो एजुकेशन में भारत में ए ग्रेड बुद्धिस्ट बेस स्कूल होना चाहिए। फिर आप देखिएगा जो बाबा साहब का बच्चा होगा वो हजारों में एक नहीं दिखेगा, तो आप मेरा नाम लेकर कुछ और बता सकते। ये इतने सारे बदलाव हैं जो हम चाहते हैं। हमने थाईलैंड, आज थाईलैंड से भिक्षु यहाँ आ रहे हैं, महाराष्ट्र में आना जाना चालू हो गया, बहुत सारी जगहों में चालू हो गया। आप ये देखो पहले केवल बोधगया घूमते थे, बोधगया लुम्बिनी वाराणसी और कुशीनगर, उनके लिए चार जगह देख ली। आई वेंट टू इंडिया 10 times, मैं 10 बार इंडिया गया। मैं उनसे पूछता था कहाँ गए, ये 4 बार। मैं किसी पूछे मैं 4 बार गया, कहाँ गए, ये 4 बार। अरे जो भारत के सही माने में जो बुद्धिस्ट लोग हैं, एक बार उनकी धरती पर तो आओ, एक बार नागपुर तो आओ, एक बार चिमूर तो आओ। अब उन्होंने आना शुरू किया है तो आज उनको भी मतलब पता चल गया है कि मुझे वहां जाना है और नमो बुद्धाय के बाद बोलना है जय भीम। ये कंडीशन हमने आज की तारीख में पैदा की है और मैं चाहता हूँ ये चीजें आगे बढ़े। इसका नतीजा क्या है मैं आपको बता देता हूँ। 4 बाबा साहब की मूर्तियां वियतनाम में लग चुकी हैं, 2 थाईलैंड में, 1 थाईलैंड में लग चुकी है और 1 रॉयल मोनेस्ट्री में लगने वाली है। ऐसे एक एक करके जो है इंटरनेशनल लेवल पे बाबा साहब के जो सोच विचार हैं वो दूर दराज तक पहुंचने लगे। हम लोग तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, पूरी जी जान लगा रहे हैं, लेकिन ये समय है आप लोगों को जगाने का, उपासकों को जगाने का, क्योंकि जो भी कुछ करेगा भिक्षु नहीं करेंगे, हम करेंगे। वो हम उपासकों की ड्यूटी है कि भिक्षुओं का ख्याल करना, वो घर से कदम निकालें तो 100 उपासक रास्ते में खड़े हो, ताकि कल को किसी माँ बाप को अपने बच्चे को भिक्षु बनाना हो तो उसके मन में ये डर ना हो कि कल को मेरा बच्चा अगर भिक्षु बन गया तो उसका क्या होगा। उसके मन में ये विचार होना चाहिए अगर ये भिक्षु बनेगा तो एक तरह से चाहे वो भिक्षु देगा लेकिन एक राजा की तरह दिएगा, क्योंकि वो ज्ञान देगा लोगों को। आप भिक्षु और भिखारी में अंतर याद रखिएगा, हमेशा अपनी बात सोचिएगा। भिक्षु वो होता है जो देता है, जो भिखारी होता है वो लेता है। भिक्षु जो है उनका सम्मान जो है सबसे बड़ा है और सबसे ऊंचा। तो ये समझ आज मैं ये इस स्टेज से वो जो है संदेश एक उपासकों को जगाने का आप लोगों को देना चाहता हूँ। अगर आप वाकई में चाहते हैं, वाकई में जय भीम बोलते हैं और चाहते हैं कि बाबा साहब ने जो किया वो सही किया, तो जो धम्म चक्र हमने रोका हुआ है आने वाले समय में अब हम उसे चलाना शुरू करेंगे और जिसका
एग्जाम्पल होगा, ये हॉल उन्होंने खोला है कि हर बुद्ध पूर्णिमा को मैं बंटी जी को एक फोन करके पूछूंगा कि क्या वहां लोग एकत्रित हुए वंदना करने के लिए या नहीं हुए। वहीं से पता चल जाएगा कि बुद्धिस्ट होने की सच्चाई आपके मन के अंदर कितनी है, बाबा साहब का सम्मान आपके अंदर कितना है। तो दोस्तों, मैं आज बहुत खुश हूँ कि आप बड़ी तादाद में अपने आप अपने दिल से आए और आपने इतना प्यार और इतना सम्मान दिया। कोशिश करेंगे कि बार बार आते हैं और आने वाले समय में जो भी बन सकेगा इंटरनेशनल लेवल पे बुद्धिज्म को लेते हुए, और बहुत सारी अपॉर्चुनिटी अगर ये राजनेता अच्छे हैं तो यही है। कई प्रश्न मैं ऐसे करूँगा पढ़ाई के लिए बच्चों से, मैं इनके साथ आपस में वार्तालाप करूँगा कि कैसे बच्चे को बाहर भेजा जा सकता है नौकरी के लिए, पढ़ाई के लिए। हमारे इंटरनेशनल रिलेशन अच्छे हैं तो एक बार साठ बार अच्छी होगी तो मुझे लगता है यहाँ जितने लोग हैं उनका बहुत ज़्यादा फायदा भी हो सकता है, क्योंकि जो बुद्धिस्ट राष्ट्र है वो दूसरे बुद्धिस्ट राष्ट्र की मदद करने के लिए हमेशा आते रहते हैं। तो एक बार फिर से बहुत बहुत आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद, हम बताए जय भीम। जय भीम को मतलब ये पक्का है, मैंने बता दिया कि ऐसा नहीं हमारा भूमि हो गई कि यार हम तो सच्चे बुद्धिस्ट है ही है, कितनी बातें जो सच्चाई मैंने आईने सामने रखा, लेकिन कोई बात नहीं, जय भीम का नारा तो विश्व में पहुंचना ही चाहिए। जब भी बोले जय भीम जम कर बोले, ताकि ये भी अच्छे से जान ले कि जय भीम का मतलब क्या है। जय भीम। थैंक यू वेरी मच। जय भीम।